खालसा सेवा सोसाइटी मोहल्ला गोविंदगढ़ के युवा डीसी से मिले। युवाओं ने डीसी से मांग की है कि गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान के पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, जिससे तेज रफ्तार से चलने वाले गाड़ी चालक कम स्पीड पर चल सके। युवाओं ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब के साथ चौगान ग्राउंड है, जहां से बच्चे गुरुद्वारा साहिब में पानी पीने के लिए रोड क्रॉस करके आते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही स्कूल भी है, जहां पर बच्चे छुट्टी होने के दौरान रोड पर आते हैं। युवाओं ने डीसी से मांग की है कि दरबार साहिब के पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। उधर डीसी ने मांग को जायज समझते हुए जल्द ही गुरुद्वारा साहिब के पास स्पीड ब्रेकर लगाने की बात कही। खालसा सेवा सोसाइटी के युवाओं ने कहा कि आज युवा डीसी से गुरुद्वारा साहिब के पास स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर मिले। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब के पास अगर स्पीड ब्रेकर लग जाता है तो तेज गति से चलने वाले गाड़ी चालकों पर लगाम लग जाएगी। उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गुरुद्वारा साहिब के पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाएगा। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज खालसा सेवा सोसाइटी डीसी साहब से मिली है, जिसमें खालसा सेवा सोसाइटी ने एक अपनी मांग रखी है कि गुरुद्वारे के हमारे पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, जिससे कि वहां पे तेज तरार बाइक जो चलती है उन पे लगाम लगाई जाए। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे जल्दी से जल्दी। और धन्यवाद। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम खालसा सेवा सोसाइटी के सदस्य डीसी साहब से मिलने के लिए पहुंचे, जिसमें हमने मांग रखी कि गुरुद्वारा साहिब के पास स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, जिससे कि तेज़ रफ्तार बाइक वालों पर लगाम लगाई जाए। इसके बारे में डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वहां पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट।